आज हम सीखने जा रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, रामू माली किसके घर नौकरी करता है? रामू माली गौरव और गौरी के घर नौकरी करता है। दूसरा प्रश्न है, उसका घर कहाँ है? उसका किसका, रामू माली का घर कहाँ है? तो उसका घर नदी के उस पार है। तीसरा प्रश्न है, वह कैसे आता है? वह किसके लिए आया, रामू माली के लिए? तो इसका सही उत्तर है, वह नाव से आता है। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। चौथा प्रश्न है, वह कितना वेतन पाता है? वह 3,000 रुपये वेतन पाता है। पांचवा प्रश्न है, गौरव के पिता ने बाग में क्या बनवाया है? गौरव, इसका सही उत्तर है, गौरव के पिता ने बाग में फौवारा बनवाया है। अभी आगे हम देखते हैं ईश वंदना पाठ का प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, गंगा के किनारे क्या बना है? इसका उत्तर है, गंगा के किनारे मंदिर बना है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पर कौन बैठे थे? प्रश्न का उत्तर है, पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। तीसरा प्रश्न है, पंडित जी ने सबको क्या लगाया? उत्तर है इसका, पंडित जी ने सबको चंदन का टीका लगाया। आगे लालच बुरी बला है पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कुत्ते को घूरे पर क्या मिला? इसका उत्तर है, कुत्ते को घूरे पर एक हड्डी मिली। दूसरा प्रश्न है, नदी में उसने क्या देखा? तो इसका उत्तर है, नदी में उसने अपनी परछाई देखी। तीसरा प्रश्न है, कुत्ता अपनी परछाई पर क्यों भौंकने लगा? इसका उत्तर है, कुत्ता अपनी परछाई पर दूसरी हड्डी के लालच में भौंकने लगा। ठीक है, तो जब क्या क्यों आता है तो उसकी जगह पर आपको उत्तर लिखना होता है उसका सही। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम जैसे को तैसा पाठ, पाठ 11 के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, लोमड़ी की क्या आदत थी? तो इसका सही उत्तर है, लोमड़ी की जो है दूसरों का मजाक उड़ाने की या हर किसी का मजाक उड़ाने की आदत थी। वह दूसरों को मूर्ख बनाकर बहुत ही खुश होती थी, यह उसकी आदत थी। ठीक है, प्रश्न दूसरा, लोमड़ी ने दावत पर क्या पकाया? तो इसका सही उत्तर है, लोमड़ी ने दावत पर टमाटर का सूप पकाया। क्या की जगह क्या लिखेंगे आप, टमाटर का सूप पकाया। बाकी पूरा उत्तर प्रश्न में से देखकर। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, बगुले ने अपने घर में क्या बनाया? इसका उत्तर है, बगुले ने अपने घर में खीर बनाई। आगे औ का अभ्यास पाठ से हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर हैं प्रश्नों के उत्तर, लिखिए। मैं पहला प्रश्न है, कौन साथ साथ पढ़ते हैं? सौरभ और गौरव साथ साथ पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कौशल किसका भाई है? उत्तर है, कौशल सौरभ का भाई है। तीसरा प्रश्न, कौशल ने किसको लौटने के लिए कहा? उत्तर है उसका सही, कौशल ने नौकर को लौटने के लिए कहा। प्रश्न चौथा है, कौन दौड़ दौड़ कर खेल रही हैं? तो इसका उत्तर है, गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही हैं। पांचवा प्रश्न है, फौज में कौन नौकरी करता है? इसका उत्तर है, फौज में जौहर नौकरी करता है। अभी आगे अं एम अह का अभ्यास पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, और आपको यह याद करना है और लिख लिख कर सीखना भी है। ठीक है,
अब इसमें इस पाठ का पहला प्रश्न है, गांव में कौन सी नदी है? तो इसका उत्तर है गांव में गंगा नदी है। दूसरा प्रश्न है, लोग गंगा नदी को क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, चंद लोग किस पर होकर आए हैं? इसका उत्तर है चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। ठीक है, अभी आगे हैं। चौथा प्रश्न, किसका बंगला सुंदर है? तो इसका उत्तर है बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। पांचवा प्रश्न, हाथी की सूंड कैसी है? तो उत्तर है हाथी की सूंड लंबी है। अभी आगे हम देखते हैं, अ अभ्यास में कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, ठीक है, लगता के अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। अभी आ गया है हमारा पद विभाग, तो पद विभाग में सेकंड सेमेस्टर में जो पाठ है वह है बिल्ली मौसी पाठ था, है ना, सेकंड सेमेस्टर से है ये। तो इस बिल्ली मौसी पाठ का हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर में है पहला, बिल्ली की आंखों का रंग कैसा है? तो उत्तर है इसका बिल्ली की आंखों का रंग नीला है। दूसरा प्रश्न, बिल्ली किसके पीछे भागी? तो इसका उत्तर है बिल्ली चूहों के पीछे भागी। तीसरा प्रश्न है, चूहे कैसे थे? तो उत्तर है इसका चूहे बहुत चालाक थे। चौथा प्रश्न है, चूहे कहाँ जाकर छुप गए? तो इसका उत्तर है चूहे बिल में जाकर छुप गए। आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है और बोलना भी आना चाहिए, ठीक है, खाली बिल नहीं बोलना है आपको, पूरा उत्तर बोलना है कि चूहे बिल में जाकर छुप गए। अभी आगे है सबेरा पाठ, ये भी सेकंड सेमेस्टर से था, तो यह हमें इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला है, सूरज भगवान क्या देने आए हैं? तो इसका उत्तर है सूरज भगवान सुख का वरदान देने आए हैं। ठीक है, क्या की जगह हमको क्या लिखना है, सूरज भगवान सुख का वरदान देने आए हैं। दूसरा है प्रश्न, चिड़िया कैसे बोलती है? तो उत्तर है चिड़िया चूँ 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 बोलती है। कैसे की जगह क्या लिखना है, चूँ 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 बोलती है। ठीक है, इस पाठ के अनुसार चिड़िया चूँ 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 बोलती है, ठीक है, इसलिए आपको चूँ चूँ ही लिखना है, ची ची नहीं लिखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पाठ में क्या दिया है, चूँ 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 बोलती है इसीलिए। तीसरा प्रश्न है, झरने किस प्रकार बहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है झरने झरझर झरझर करके बहते हैं। प्रश्न चार है, कण कण पर क्या छा गया है? इसका उत्तर है कण कण पर प्रकाश छा गया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हमें स्वयं जगकर क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें स्वयं जगकर दूसरों को जगाना चाहिए, यानी जग को जगाना चाहिए और ईश्वर चरणों को प्रणाम करना चाहिए, साथ ही जग को भी प्रणाम करना चाहिए। तो क्या है इसका उत्तर, हमें स्वयं जगकर जग को जगाएं और ईश्वर चरणों को और जग को भी जो है प्रणाम करें, ठीक है, यही करना चाहिए स्वयं जगकर, ओके। तो यहाँ पर हमारे सेकंड सेमेस्टर के पद भाग से और गद भाग से, दोनों भाग से हमारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको अभी समझाए हैं, ठीक है। अभी आप घर पर अच्छे से याद करना और लिख लिख कर सीखना, जिससे कि मात्राओं की गलती ना हो। थैंक यू।